नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे पर अब एक और केस दर्ज हो गया है। हेट स्पीच मामले में अब अमरावती के अचलपुर पुलिस स्टेशन में इमरान खान असलम खान की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसकी जानकारी अमरावती एसपी विशाल आनंद ने दी है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता नितेश राणे आए दिन विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले ही संगोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा था कि केवल 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दी जाए तो वह अपनी ताकत दिखा देंगे। वहीं इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि लोगों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। उनके इस बयान पर राजनीतिक पार्टी AIMIM के अलावा अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी। वहीं AIMIM नेता ने इम्तियाज जलील ने मांग की थी कि नितेश राणे पर केवल FIR ना हो बल्कि कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयानबाजी देने वालों पर 60 FIR दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि विवादित बयान देने के बाद भी नितेश राणे अभी तक कैसे बचे हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा था कि नितेश राणे एक कट्टर हिंदूवादी विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदुत्ववादी पार्टी है। हालांकि नितेश राणे के कुछ बयान ऐसे हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। पार्टी की ओर से उनके ऐसे बयानों का किसी ने भी कोई भी समर्थन नहीं किया है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नितेश राणे ने खुद भी सफाई पेश की थी कि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनके पिता नारायण राणे भी वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज तक जहां भी गलत बयानबाजी हुई है हमने कभी ये नहीं देखा कि वह व्यक्ति कौन है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ऐसे में जिस तरह से नितेश राणे विवादित बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर भी यहां पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आते हैं और ऐसे में विपक्षी पार्टियों को यहां पर मौका मिलता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इस मामले को लेकर घिरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।